दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से सात की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता

तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चवालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफगानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भेभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वह वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चवालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बैसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भेभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा कांक्षा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता Tá. तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका, फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन ने खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता ta <laughs> तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में यह किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता

तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब तो बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे हम चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से सात की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजेक

अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत भे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की, की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफगानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा कांक्षा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिविल नहीं कर सकता uh <síntos> तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं के वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लादमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनिसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी, भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफगानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा कांक्षा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता Terima <laughs> तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको यह मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह साहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपने रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका, फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वह वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपने रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका, फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन ने, खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से सात की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजेक

अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत भे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से सात की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एट्टी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजे कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता

तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका, फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी, भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों दो, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफगानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत भे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिविल नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं अगले जय हिंद दोस्तों अगर तो आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन ने, खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा कांसा के खिलाफ चेतावनी दी हालाँकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वह मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के तो बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका स्वरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन ने, खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिविल नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चमालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हैयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत भे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक के प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी तो लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफग़ानिस्तान में खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहां की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई और जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से सात की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एट्टी तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजे कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा कृत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा कांक्षा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता

तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है? कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है? कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वह वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इताद खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक परेशानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डाइल ने दोस्तों इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय

अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चवालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण आदिति राव हयादी जीम सब्र अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती रावे फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफगानिस्तान में खिलजी शासन ने जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेरूनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसी इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भेभीत हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक ही अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिवील नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफ़ी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आके में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी पच्चीस जनवरी दो में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला भंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को चौंसठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चवालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करें अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह साहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी जीम सबरे अनुप्रिया गोयका फेरूप खान अनीसा जोशी रजा मुरादे पद्मावती राव फेरान सिंह मंजीत सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करें दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है तेरहवीं सदी में अफ़ग़ानिस्तान में खिलजी शासन जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभालने की योजना बनाई उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी मेहरुनिसा से शादी के लिए कहता है उनकी शादी का आयोजन किया जाता है लेकिन कार्यक्रम की रात अलाउद्दीन एक अन्य महिला के साथ वे विचार करता है एक वरिष्ठ दरबारी शरीफ पासा इसिक्रत का गवाह बनता है और अलाउद्दीन द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है शादी के दौरान मेरुनिसा को इस बारे में बताया गया जिससे वे भयभीत बे हो गई शादी होती है और अलाउद्दीन को जलालुद्दीन की सेना में एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है सिंगल में राजकुमारी पद्मावती एक जंगल में शिकार करते समय मेवाड़ के राजपूती शासक मारावल रतन सिंह को गलती से घायल कर देती है जैसे ही वे उसका इलाज करती है वे बताता है कि उसने अपनी एकमात्र पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने के लिए सिंगल की यात्रा की थी आखिरकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं रतन सिंह ने पद्मावती से शादी के लिए हाथ मांगा वे मान गई और अपने पिता की अनुमति से उनकी शादी हो गई जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा अलाउद्दीन ऐसा करने में सफल हो जाता है लेकिन देवगिरी पर एक अस्वीकृत छापा मारता है वे वहाँ की राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे अपनी रखेल बना लेता है जलालुद्दीन की पत्नी और भतीजे इतात खान ने उसे अलाउद्दीन की गद्दी संभालने की महात्मा के खिलाफ चेतावनी दी हालांकि वह अलाउद्दीन से मिलने के लिए कार की यात्रा करता है तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको इस मूवी की रिविल नहीं कर सकता आगे दोस्तों इस मूवी में काफी युद्ध होने वाले हैं वे मैं आपको रिविल नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर जी हाँ दोस्तों आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले नहीं यू नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद